इंदौर में जनसामान्य की समस्याओं और मांगों को सुनने के लिए अब एक बार फिर साप्ताहिक टीएल बैठक हर सोमवार को शुरू की जाएगी। साथ ही जनसुनवाई भी हर मंगलवार को नियमित रखी जाएगी। ये कहना है इंदौर जिला कलेक्टर निशांत वरवड़े का। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के दौरान पूरा इंदौर प्रशासन चुनाव आयोग के कार्यों में व्यस्त था, लिहाजा प्रशासनिक कार्यों पर भी इसका सीधा असर हुआ था। लिहाजा अब हर मंगलवार को सरकारी विभागों की समय सीमा बैठक शुरू हो जाएगी। साथ ही जन सामान्य की समस्याओं और मांगों को सुनने के लिए होने वाले साप्ताहिक जनसुनवाई को भी हर मंगलवार नियमित किया जाएगा, जिसमे लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और यथासंभव उनके निराकरण के उपाय किए जाएंगे। इन सब निर्णयों को कर आज इंदौर जिला कलेक्टर में बैठक संपन्न हुई। क्या इशू है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इशू नहीं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बोरिंग परमिशंस इन इंदौर सिटी एंड इंदौर डिस्ट्रिक्ट व्हाट सर उसके लॉज से सीडब्ल्यू के गाइडलाइन से उसके अकॉर्डिंग बिकॉज़ देयर वाज नो सच कमिटी इन भोपाल इसमें जो नोटिफाई एरिया ओके मुख्य रूप से हमने आज टीएल बैठक एक लंबे अंतराल के बाद में आज हमने टीएल बैठक चालू करी है और टीएल बैठक में अंतर विभागीय समन्वय पे हमारा खास जोर रहता है। उसमें हमने निर्णय ये लिया है कि अब ये बैठक पूर्व की तरह हर सोमवार को 11 बजे हुआ करेगी, जिसकी इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग 11 बजे पाबंदी के साथ में यहाँ पर आएँ और हमने यह भी कोशिश करी है कि टीएल के जो प्रकरण हैं उनमें उनकी जो मॉनिटरिंग थी उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है, जैसे कि हर विभाग को 2 या 3 से अधिक प्रकरण ना दिए जाएं ताकि इफेक्टिवली वो एक हफ्ते में उन प्रकरण को सॉल्व करके सामने लेके आए, ताकि बैठक की सार्थकता और में और वृद्धि हो सके। उसके साथ साथ में उसके बाद में हम लोगों ने चुनाव की एक मीटिंग करी थी। चुनाव की मीटिंग में मुख्य हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के जो हमारे अनुभव रहे हैं उसके आधार पर हम लोगों को जो मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण करना है, जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में और जो हमारे अनुभव हैं उसके परिप्रेक्ष्य में उसके संदर्भ में हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी। साथ ही साथ में निर्वाचन के जो बचे हुए काम हैं लेकिन महत्वपूर्ण काम हैं, उदाहरण के लिए हमारे बीएलओ साथियों का मानदेय, उदाहरण के लिए हमारे जो चुनाव में संयोजित हमारे जो अधिकारी थे कर्मचारी थे उनका मानदेय, बाकी अन्य जो बिल्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, स्ट्रांग रूम की जो निर्माण करने की जो बात चल रही है, इन सब चीज़ों पर भी हमने समीक्षा करी है। सो कुल जमा बात सिर्फ ये है कि सारे विभागों को एक नए सिरे से हम लोगों ने जो है धन्यवाद देने के बाद में चुनाव के बाद में नए सिरे से आज लंबे समय के बाद में पहली बार बैठे थे, एक नए टारगेट्स भी सेट किए और बेहतर काम करें ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर बैठक में विधानसभा चुनाव में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।